सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रामपुर प्राइमरी स्कूल में कुछ दलित बच्चों के कथित तौर पर मिड डे मील का अलग ले जाकर कोने में अपने बर्तन में खाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तस्वीर स्कूल की वायरल हुई, सोशल मीडिया पर आई और उसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि स्कूल में जो बच्चे हैं दलित, वो अपनी थाली लेकर के आते हैं और खाना मिलता है तो बाकी बच्चों से अलग हट करके कोने में जा करके वो खाते हैं। इस पर मायावती बीएसपी सुप्रीमो ने एक ट्वीट किया और कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है। मायावती का ट्वीट आपके सामने। इस ट्वीट में उन्होंने अपना एतराज जताया और शासन और प्रशासन दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा किया। इसके बाद वहां के जिला कलेक्टर ने खुद जांच करने की ठानी और जब स्कूल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीएसपी के एक नेता पहले से वहां पहुंचे हुए थे। बीएसपी के उस नेता और नेता के साथ खड़े लोगों और जिला कलेक्टर के बीच में तीखी बहस हुई। यह बहस कैसी थी, आप इसको देखिए। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले आज यहाँ आए हैं राजनीति करने। मुझे सुबह सूचना, कल मुझे सूचना मिली थी आप लोगों के माध्यम से और मैंने आप लोगों को जांच का आश्वासन दिया था। जी ठीक है, क्लीन हैंड्स, जो सत्यता होगी वो मैं मालूम करूंगा। आज सुबह 8:30 बजे से मेरे पास फोन आ रहे हैं पत्रकारों के, माननीयों के, मेरे शासन के अधिकारियों के। दिशा की आज मीटिंग है, दिशा से महत्वपूर्ण कोई मीटिंग नहीं होती, इसमें माननीय सांसद सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और माननीय विधायकगण सदस्य के सदस्य होते हैं। उस बैठक को छोड़ के जनपद का जिलाधिकारी आया है प्रकरण की वास्तविकता ज्ञात करने जी। आया है, क्या देखता है, 25 लाख की गाड़ी में सफेद पोश आए हैं। जूते की कीमत क्या है भाई साहब इसकी? ये गलत गलत इस जूते की कीमत क्या है बताइए? गलत आरोप लगा रहे हैं सर ये। इस जूते की कीमत क्या है? डीएम साहब आप गलत आरोप लगा रहे हैं। इस घड़े की कीमत क्या है? आप डीएम साहब गलत आरोप लगा रहे हैं। इस घड़े की कीमत क्या है? ये गलत बात है डीएम साहब, ये गलत। ये तो वास्तविकता का सिर्फ एक अंश है। आप भी इससे अंतर कर रहे हैं। मुद्दे पे बात अंदर होगी, आइए आप भी इससे अंतर कर रहे हैं। मुद्दे पे बात अंदर होगी, मैं आपके साथ बहस करूंगा। हम ऑफिस क्या हम लोग मिलकर पता लगाएंगे। मेरा आपसे सर निवेदन है, आप जांच करा ले और जो दोषी होगा मैं आपके सामने करूंगा, उसके विरुद्ध आप कार्रवाई करें। केवल निवेदन कर रहे हैं, जांच करा आप आइए अंदर। हम लोग यही ना आपसे निवेदन करेंगे, जांच करा ले सर। हम लोग सर से घबराइए मत सर, आप जांच करा लीजिए। जांच मैं और आप मिलकर जांच करते हैं। भाई आपका काम क्या सिर्फ तमाशा करना है? हम आपको अवगत कराना। आपका काम सिर्फ तमाशा करना? आपको अवगत कराना। आइए ना अंदर आके अवगत कराइए, जांच कराइए। इसका मतलब है कि आप खुद जानते हैं अपने भीतर की झूठ बोल रहे हैं आप। जिला कलेक्टर का कहना यह है कि बीएसपी के इन लोगों ने, जिन लोगों के साथ उनकी बहस हो रही थी, इस मामले को तूल दिया है। इन्हीं लोगों ने तस्वीर सोशल मीडिया में डाली है और पूरे मामले को भड़काया है, जबकि सच ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ के हेडमास्टर से बातचीत की, पूरी पूछताछ की, बच्चों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों ने कहा कि मिलजुल करके खाना खाते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है, हम लोग आपस में बैठ करके खाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा था कि बच्चे जैसे होते हैं, वो अपना अपना खाना लेकर के अपनी दोस्तों के बीच में, अपनी पसंद के लड़कों के बीच में बैठ करके खाने लगते हैं। अगर आप इसको भेदभाव कहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा है नहीं। लेकिन बीएसपी ने इस मामले को तूल दे दिया है। उसने कहा है कि जिला कलेक्टर ने उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके से बात की है वो अभद्रता है और उन्होंने कहीं ना कहीं उन लोगों को सवालों के घेरे में बेवजह खड़ा किया है, उन पर उंगली उठाई है, आरोप लगाया है। अगर इस बात की जांच नहीं होती है और जो जिम्मेदार लोग हैं इस तरह के मामले में, दलित बच्चों के अलग बैठ करके अपने बर्तन में खाना खाने के मामले में, उन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर पार्टी प्रदर्शन करेगी, धरना करेगी। कुल मिलाकर के बलिया में रामपुर प्राइमरी स्कूल का, बच्चों के मिड डे का ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक मुद्दा हो गया है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।